बराइच थाना मटेरा के ग्राम मोरनिया में मृतक किसान गुरविंद सिंह के घर पहुंचे अखिलेश यादव ने दिया बयान। जब तक गृह राज्य मंत्री बर्खास्त नहीं होगा परिवार को न्याय नहीं मिल पाएगा। सपा किसानों के साथ हर हाल में खड़ी है। वही मृतक गुरविंद सिंह को गोली लगने का सवाल पर बोले अखिलेश, अब तो अंतिम संस्कार भी हो गया है। वही परिवार गोली लगने की बात कह रहे हैं, इसे इंसाफ कैसे मिलेगा। मीडिया के सवाल पर अखिलेश ने उठाया मीडिया पर ही सवाल, 4 महीने बाद सब कुछ बदला जाएगा, ये पुलिस भी बदले जाएगी। क्या बीजेपी की दमदार सरकार इसलिए गरीबों पर जुल्म करे, गरीबों को कुचल दे? उसे स्वीकार करना चाहिए कि उसी के सरकार में अन्याय हो रहा है। विपक्ष को इसलिए रोका जा रहा है कि लोग सच न जाने। वही जिस गाली से किसानों को कुचला गया वो सभी भाजपा के लोग मंत्री जुड़े हुए थे। सभी परिवार के सदस्यों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भरोसा नहीं रहा, कह रहे हैं कि गोली लगी थी मगर जो रिपोर्ट बनी है उसमें गोली नहीं, अब तो बॉडी जल चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब दोषी को सजा मिलेगी। वही परिवार के लोगों न्याय चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसी परिवार के लोगों को भरोसा पड़ा है। वही सरकार के अब तक की सभी जांच पर सवाल उठे हैं। परिवार के साथ सपा खड़ी है, ये बात अखिलेश यादव ने दोनों मृतक किसानों के घर पर कही है। जी हाँ, देखिए पूरी रिपोर्ट प्रीतम सिंह के साथ। और आजादी मिलती है इसकी, लेकिन सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग लोकतंत्र या जो अपना हक मांग रहे हैं उनके पक्ष में नहीं है। और ऐसा कांड हुआ है कि शायद दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा जहां किसानों को कुचल दिया गया, किसानों की जान ले ली गई, और वो भी तब जब कुछ दिनों पहले वहां के गृह राज्य मंत्री, उनका स्टेटमेंट ये आता है कि मुझे मंत्री मत समझो, मुझे सांसद और विधायक मत समझो, मुझे कुछ और समझो। और उसके बाद जिन पे आरोप है, उनका बेटा है आरोप, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, किसानों को कुचल दिया, इन परिवारों से मिलने आए, उनका दुख बांटने हम लोग आए हैं। और अभी तक तो जनता को विश्वास नहीं था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। जिस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है लगातार सरकार में, जनता को भरोसा नहीं है। और आज तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया और सरकार पर टिप्पणी की है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी भरोसा नहीं है जांच पर। नैतिकता का आधार पर गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, और जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा किसानों को गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। जो सरकार कहती है दमदार सरकार, क्या दमदार सरकार इसीलिए कि गरीबों पर अन्याय हो? दमदार सरकार इसी को कहेंगे जो किसानों को कुचल दें? ये सरकार की जिम्मेदारी है न्याय दिलाना। और जब भारतीय जनता पार्टी चाल चले तो चेहरे की बात करती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए कि उसकी सरकार में इस तरह का अन्याय हुआ है, उनकी परिवारों की मदद हो, न्याय मिले, यही परिवार चाहते हैं, यही समाजवादी लोग चाहते हैं। अरे सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि सपा के लोग या अखिलेश यादव जी वो जो है धृतराष्ट्र हो गए हैं, जबकि आपने ये कहा था कि शायद मोतियाबिंद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को जवाब इसका देना चाहिए कि एक व्यापारी जिसको पीट पीट करके मार दिया गया, 6 फरार हैं अभी तक, क्या गृह जनपद में मुख्यमंत्री के यहाँ घटना हो और अभी भी जिन पे आरोप है वो पकड़े ना जाएं? पूरे देश में बताइए कहाँ आईपीएस फरार है जिस पे 302 का मुकदमा लगा हो और आईपीएस फरार हो, और यहाँ भी फरार बता रहे हैं कि नेपाल भाग गए हैं। तो अब तो नेपाल अगर भाग गए हैं तो भारत सरकार को देखना पड़ेगा कि नेपाल में कैसे जाएगी पुलिस और कैसे पकड़ करके लाओगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि न्याय जनता को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अवैध धर्मांतरण पर क्या कहना है आपका, जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं आज कहीं पर कलीम को लेकर विरोध भी हुआ है, क्या खबर चलाते हो आप? यहाँ किसान कुचल दिए गए, बताइए आप, किसान कुचल दिए गए गाड़ी से, हम और आप हैं, आप तो छोटी बहुत खबर सच दिखा दोगे तो एफआई दर्ज हो जाएगी। प्रेस के लोग अगर थोड़ी सी ईमानदारी से सही खबर चला दिए तो एफआई दर्ज हो जाएगी। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आज़ादी होनी चाहिए अपनी बात कहने की।
नहीं, आपको बराबर रोका गया लेकिन अभी तमाम जद्दोजहद के बाद आज आप यहाँ पहुँची गए, तो इस पर क्या कहना होगा आपका? सरकार को रोकना क्यों है? विपक्ष के लोगों को इसलिए रोक रहे हैं कि लोग सच न जान जाए, सच को छिपाना चाहते हैं। और याद रखना, जितना सच जनता जानेगी उतना लोकतंत्र मजबूत होगा। न्यूज 18 के मंच पर योगी जी ने कहा है कि अखिलेश जी देर तक सोते हैं, 12 बजे तक सोते हैं। अब योगी जी हमारे पड़ोसी हैं, अगर पड़ोसी के बारे में पड़ोसी को न पता हो तो कहाँ के योगी हैं ये? यहाँ बहराइच मटेरा में जहाँ पर आप आए हैं, यहाँ जो गुरविंदर सिंह की जो मौत हुई है उनके परिवार ने भी ये कहा था कि गोली लगी है और पोस्टमार्टम में वो सब नहीं आया। सच्चाई है कि परिवार के सदस्यों को पोस्टमार्टम पर भी भरोसा नहीं रहा, क्योंकि जो परिवार के सदस्य कहते हैं कि उन्हें गोली लगी है लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और है, जिस तरह से रिकॉर्डिंग या जिस तरह से की गई है उस पर भी उन्हें भरोसा नहीं है, तो अब तो डेड बॉडी चल गई है। तो इसीलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र और मजबूत होगा जब दोषियों को सजा मिलेगी। किसने वीडियो नहीं देखा कि गाड़ी आई और कुचल के चली गई, लोग इधर उधर फिंक गए, गाड़ी बोनट पे चले गए एक किसान भाई, तो किसने नहीं देखा? जो गाड़ी से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं दरवाजा खोल कर, किसने नहीं देखा? तो जो गाड़ियां हैं उनकी रजिस्ट्रेशन है, जो रजिस्ट्रेशन गाड़ियों में लोग बैठे थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, और वो सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह राज्य मंत्री से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ ठेका करते थे, कुछ जी हजूरी करते थे, वही कार्यकर्ता थे। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उन गाड़ियों में उनके कार्यकर्ता थे, और वो भूल जाओगे आप कुछ दिन पहले वाली घटना, क्या वजह है जहाँ पर एक महिला अपना नॉमिनेशन करने जा रही थी उसके कपड़े फाड़ दिए थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो जो न्याय मिलना चाहिए, गरीबों को न्याय मिले, पीड़ित परिवारों से न्याय मिले। क्या लगता है कि ये सरकार बैकफुट पर है और ब्राह्मण वोटों को बटोरने के लिए शायद ये कार्रवाई नहीं हो रही है? परिवार के लोगों ने जो आपसे मिले हैं आप, उन्होंने पोस्टमार्टम को लेकर क्या मांग रखी है? आपके अगला कदम पोस्टमार्टम तो दोबारा नहीं हो सकता, दोबारा पोस्टमार्टम अब कैसे हो सकता है पोस्टमार्टम? अगला कदम, लेकिन उस समय परिवार के लोगों ने दर्ज की, लेकिन किसने सुना? जब आपकी हमारी सुप्रीम कोर्ट की सरकार नहीं सुन रही तो इन गरीब परिवारों को कौन सुनेगा? अखिलेश जी, क्या सरकार इस वक्त बैकफुट पर है और ब्राह्मण वोटों को एकत्रित करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए क्या ये कार्रवाई नहीं हो रही, उसमें डिले हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पर? इसको सरकार मानते हो आप? मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री मानते हो आप? वो मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने मुकदमे वापस ले लियो और दूसरे प्रदेश से आए, बनना किसी को मुख्यमंत्री था? पूजा पाठ कर रहे थे दूसरे मुख्यमंत्री जिन्हें बनना था, तो दूसरे प्रदेश से आए, खुद दूसरे प्रदेश से आए, कौन नहीं जानता दूसरे प्रदेश से आए? इस परिवार क्या परिवार, क्या साधु संत परिवार, क्या परिवारवाद उनका नहीं है? वो भी तो दूसरे प्रदेश के हैं। जब पत्रकार मारा गया सर, उसके लिए बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं परिवार से मिला था उनके जी, उसकी भी मदद हो, उन्हें भी भरोसा पुलिस पे नहीं रहा, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस का व्यवहार था, सरकार का व्यवहार था, वो परिवार संतुष्ट नहीं दिखाई दिया। सपा की तरफ से अगर कोई गिरफ्तारी वाई दिवे नहीं होती है तो क्या आप भी राकेश टिकैत की तरह, एक जो उन्होंने डेडलाइन दी है कि 12 तारीख तक अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम इस पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे? समाजवादी पार्टी लगातार किसान आंदोलन के साथ खड़ी है, उनका समर्थन कर रही है। आने वाले समय में इनके परिवार क्या फैसला लेती है, समाजवादी पार्टी साथ रहेगी। जो मृतक किसानों को सहायता राशि दी गई है, क्या वो पर्याप्त है? नहीं, अब पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हो सकता कि दांत परिवार के लोग, मृतक किसानों परिवार के लोग संतुष्ट कैसे होंगे? क्या परिवार न्याय चाहता है? परिवार के लोग न्याय चाहते हैं और परिवार के लोग न्याय की उम्मीद लगा करके सरकार में बैठे। इधर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उससे थोड़ा भरोसा बढ़ा है, क्योंकि सरकार की हर तरह की जांच पर सवाल खड़े हुए हैं। मृतक परिवार को सहायता राशि दी गई है, क्या वो पर्याप्त है? समाजवादी पार्टी ने तो 2 करोड़ मांग की थी और सरकार कहती है हम, उनका खजाना बहुत है, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार किसान की मदद के लिए क्यों नहीं आगे आ रही है? क्या मृतक किसानों को समाजवादी पार्टी कोई सहायता राशि दे रही है? समाजवादी पार्टी मदद करेगी, कानूनी मदद भी करेगी और अब तय करके मदद करेगी परिवार। पत्रकार को क्या मिले, सहायता प्राप्त होगी? मदद सभी लोगों की करेगी समाजवादी पार्टी। आज सीएम ने कहा कि हैदराबाद का नाम जल्द ही भाग्यनगर होगा, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से कभी ये कहलवा दो 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट, आज तक नहीं कहा उन्होंने। और इसीलिए तुम्हारे मीटर ज्यादा महंगे हो गए हैं, बिजली महंगी होगी कि नहीं होगी? पेट्रोल हो गया 104, दाल महंगी हो गई, सरसों का तेल महंगा हो गया,
किसी को नौकरी नहीं है, इसीलिए ऐसी बात करेंगे मुख्यमंत्री जी। आपके टाइम में बिजली, मुख्यमंत्री जी कभी ये कहते हैं 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, वो इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि बिजली महंगी करनी है उन्होंने। आज बिल देना पड़ा है ज्यादा कि नहीं, आपकी सरकार आएगी तो ये सब चीजें लाइए आप। और हमने तो फ्री लैपटॉप बांट के दिखा दिया। ये पुलिस के लोग पूछिए इनसे कि जब थाने में जाते थे डीजल पेट्रोल किससे मांगते थे, याद कीजिए 100 नंबर से पहले जनता से। 100 नंबर ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, आप खराब कर दिया, 112 कर दिया, एम्बुलेंस फ्री चल रही। सरकार पे कोई भरोसा नहीं है किसी का। सपा का क्या स्टैंड रहेगा? सपा लड़ती रहेगी। और अब दिन कितने बचे? 3 महीना ज्यादा बोल रहे हो, जनवरी 4 महीने तारीख आ गई, ये सब पुलिस वाले बदल जाएंगे। क्या होगा जनवरी 4 तारीख आई थी पिछली बार, 100 दिन तो बचे हैं, 6 महीना बोला है। ये 100 दिन कैलेंडर रख लो घर पे, एक एक दिन काटो डेली। ये 4 महीने के बाद आने वाली है सरकार आएगी तो बिजली जनता को क्या बताओगे? क्यों कर रहे हो? सबसे ज्यादा बिजली घर में आई है। लोग ले लो, आप ही लोग ले लो, हम बाहर उतर जाए और क्या उतरिए, आप कुछ उतरिए। आप अगले जी, ये जो योगी जी हर जगह बुलडोजर चलवाते हैं तो इनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए। परंपरा लोकतंत्र में खराब है क्योंकि बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। बहुत धन्यवाद।